गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सिक्स हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट कंप्यूटर, लेसन नंबर 3, एमएस पेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई वीडियो देखें, मोबाइल से आंखों की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। बात करते हैं इसी चैप्टर के सार संक्षेप की। एमएस पेंट, एमएस पेंट आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। स्टेप्स टू ओपन एमएस पेंट। अगर आपको एमएस पेंट ओपन करना है, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप क्लिक करोगे स्टार्ट बटन पर, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके सामने एसेसरीज, और देन आपको क्लिक करना है पेंट। जैसे ही आप पेंट पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें आप काम कर सकते हैं। थर्ड, आपको बताने हैं पेंट प्रोग्राम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या तत्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होती है? इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, फाइल को सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं टूल बार। टूल बार क्या होता है? इसकी सहायता से आप अपनी जो इमेज है उसको तैयार करते हो। उसमें अलग अलग क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, पेंसिल, इरेजर, सर्किल, अलग अलग टूल्स की सहायता से आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया क्या होता है? जहाँ पर आप अपने काम को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपके सामने लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपका हुआ एक तरह का वर्किंग एरिया। नंबर थर्ड है कलर बॉक्स। कलर पता है, कलर की सहायता से जो इमेज हमने तैयार की है हम उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। नंबर फोर्थ है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट की सहायता से जो इमेज हमने तैयार की है हम उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो, मैंने कोई इमेज बनाई है और मैंने लिखा हुआ है ए, तो आप विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टूल उसके बारे में लिख भी सकते हैं। फिफ्थ आपका ड्रॉइंग एरिया। ड्रॉइंग एरिया वो होता है कार्य क्षेत्र जहाँ पर आप अपनी इमेज को तैयार करते हैं। जैसे ये हट बनी हुई है, तो ये हट कहाँ बनी हुई है, ड्रॉइंग एरिया के अंदर ये बनी हुई है। सिक्स है पिक कलर। पिक का मतलब होता है चूज करना। आप विद द हेल्प ऑफ पिक कलर जो भी कलर आपको चाहिए आप उसको चूज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको इमेज के अंदर फिल कर सकते हैं। ये वर्क आपको वीड करना है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।